दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मटर की घुगनी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस तरह बनाइए, सभी को पसंद आएगी। और घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है, मेहमान आ गए हैं तो आप ये झटपट से, मटर है तो आप इसको बना सकती हैं इस तरह और मेहमान को खिला भी सकती हैं, उनको पसंद भी आएगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गैस पे हमने पैन को रख दिया है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून हमने ऑयल को, ये सरसों ऑयल है, हमने इसमें डाल देना है। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून हमने जीरा लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे, चटक गया है। अब इसमें हमने 1 छोटी प्याज को हमने चॉप कर लिया है इस तरह, इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से हमने इसमें ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन कलर में हो गई है फ्राई। 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन को चॉप कर लिया, इसमें हमने डाल देना है और इसको अच्छे से इसमें प्याज के साथ हमको भून लेना है। ये देखिए प्याज में अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, उसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हमने 3 हरी मिर्च को हमने इस तरह काट लिया है, इसमें डाल देना है और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। अब इसी टाइम हमने इसमें ये हमने हरी मटर ली है और इतनी इसको हमने इसमें डाल देना है और ये हमने 2 मीडियम साइज के आलू को हमने इस तरह काट लिया है छिलकर और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून हमने इसमें नमक डाल देना है, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर इसमें डाल देना है, 1/2 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड कर देना है, इन सबको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी है घुगनी बनके रेडी होती है। मटर को आलू को हमने इसमें अच्छे से मसाले के साथ इसमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए अच्छे से मटर और आलू इसमें मिक्स हो गया है, भुन गया है। इस घुगनी में हमने थोड़े ही मसाले डालने हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह आप बनाइए। अब इसमें हमने 1/2 प्याली हमने, आधा प्याली हमने इसमें पानी इसमें हमने ऐड कर देना है और इसको मिला लेना है। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, तो हम ढक देंगे और ढक्कन से ढक के हमने इसको 6 से 7 मिनट तक इसको हमने मीडियम दम आंच पे हमने इसको बनाना पकाना है। ये देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, हम खोल के देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये एकदम रेडी हो गई है घुगनी बनके। देखिए मटर और आलू भी गल गया है। इस टाइम हमने इसमें हरी धनिया ढेर सारी डाल देनी है और इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये हरी मटर की घुगनी बनके रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए हरी मटर की ये घुगनी चटपटी सी तैयार हो गई है, इसको आप इस तरह बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।